अंतर्राष्ट्रीय कैदी न्यायालय दिवस पर तिब्बतन महिला संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से पहली मर्तबा मैक्लोडगंज में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान तिब्बतन महिलाओं ने इकट्ठा होकर चीन की काली करतूतों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसमें चीन द्वारा तिब्बत के कैदियों के साथ किस तरह क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, ये दर्शाया गया। ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज की मुख्य चौक पर तिब्बत महिला एसोसिएशन द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी में चीन सरकार की ओर से तिब्बत की महिला कैदियों के साथ क्रूरता की जिन हदों को पार किया जा रहा है, उनकी कुछ असली तस्वीरें तो कुछ चित्रकारों द्वारा बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीरों को प्रदर्शित इन चित्रों द्वारा किया गया है। इन तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे तिब्बत की महिला कैदियों के साथ चीन सरकार मानव अधिकारों को भी ताक पर रखते हुए बर्ताव कर रही है। मूक तस्वीरें भी चीख चीख कर ये बताने को बेताब है कि कैसे इंसानों के भेष में यहाँ दरिंदों के साथ उनका पाला पड़ा है। आज इंटरनेशनल प्रिजनर्स जस्टिस डे है, कैदियों का न्याय का दिन। सो इसीलिए हम तिब्बतन महिला संगठन लोग इधर आके सबको अवेयरनेस दे रहे हैं कि आज अभी इनसाइड तिब्बत क्या क्या हो रहा है प्रिजन के साथ, प्रिजनर्स के साथ, अपना ओन तिब्बतन पीपल्स के साथ। ये हमारे भाई और बहनों लोग का है जो अभी मतलब पहले से ही प्रिजन में होकर बाहर निकले हैं, जो ब्रूटली सफ़र किया है चाइना के पनिशमेंट को। वेल मैसेज, हम एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कोई भी हमको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। हम खुद का अपना लैंग्वेज, खुद का अपना कल्चर, खुद का अपना ट्रेडिशन है। कोई भी लोग, चाइना हो कोई भी हो, हम लोगों का फ्रीडम छीन नहीं सकते और हमारे भाइयों बहनों को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से निपजीत निप्पी की रिपोर्ट।